जिससे ये शहर जाए और ऐसी घटना फिर ना हो। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, महानगरों की स्थिति बिगड़ रही है। कई उपाय हमने किए हैं, लेकिन ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। मुख्यमंत्री होने के नाते, राज्य शासन के नाते हमारी जवाबदारी तो संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। हमारी तीन तरह की तहरी रणनीति है। नंबर एक, संक्रमण को रोकना। नंबर दो, बढ़ते हुए संक्रमण को देख के अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था करना। और नंबर तीन, तेजी से वैक्सीनेशन करके इस महामारी के संकट को कम से कम करना। आज शाम को मैं कोरोना पर फिर बैठक कर रहा हूं। खजुराहो से आने के बाद मैंने पहले ही कहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करता है, लोगों को बेरोजगार करता है। हम उससे प्रदेश को बचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी भी हमें बचाना है। महामारी पर नियंत्रण पाना है, और इसलिए ये आपद धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं। आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती, और ये त्योहार मनाने के मामले में भी मैं अपील भी करता हूं कि हम घर पर त्योहार मनाएं। घर पर मनाए जा सकते, आस्था श्रद्धा को भाव से प्रकट किया जा सकता है, लेकिन जिन जिलों में महासंक्रमण है, पिछली बार से तेजी से कोरोना के संक्रमित पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनमें ऐसे खतरे मोल नहीं ले सकते। इसलिए जरूरत पड़ी तो आपद धर्म का पालन करेंगे। मैं फिर अपील करता हूं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ साफ रहें, यही उपाय संक्रमण को रोकने के लिए। चौथा, वैक्सीनेशन। मास्क वायरस को शरीर में जाने से रोकता है, हम बच जाते हैं मास्क से। सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम बनाते हैं तो दूसरे का वायरस हमारे ऊपर नहीं आएगा और हम कैरियर नहीं बनेंगे। नहीं तो हम तो बच गए मास्क लगा के, लेकिन हम चिपक के खड़े हैं, दूसरे का वायरस हमारे शरीर से आके हम किसी तीसरे को पहुंचा देंगे। हमको कैरियर नहीं बनना है, इसलिए डिस्टेंसिंग। और सैनिटाइजर इस वायरस को मारता है, इसलिए ये तीनों उपाय जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए फैसले किए जाएंगे।